नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। देखिए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आपके कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, बात करेंगे उसके बारे में आज की इस वीडियो में। तो अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है या फिर आप नहीं जानते कौन कौन से डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है या फिर कौन से डॉक्यूमेंट के लिए आपको क्या करना चाहिए, तो जो ये वीडियो है आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। सो बात करेंगे इसके बारे में आज की इस वीडियो में। और आपको जो सारी नोटिफिकेशन मैं दूंगा वो सारी ऑफिशियल होंगी, ecounseling.in पे आपको मैं ले जाऊंगा और वहां पर हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की डिमांड की है या मांगी गई है। और उसके पर आपको बता दूं कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आपकी बीकॉम की फर्स्ट कट ऑफ और बीएलएलबी की फर्स्ट कट ऑफ रिलीज हो चुकी है। सो अगर आप नहीं जानते तो बने रहें हमारे साथ, ऑलरेडी इस चैनल पे वीडियोस अपलोड कर दी गई हैं बीकॉम के फर्स्ट कट ऑफ की, बीएलएलबी के फर्स्ट कट ऑफ की। सो अगर आपको कोई और कोर्स है तो उन सारी अपडेट्स के लिए बने रहें चैनल पे, आपको सारी अपडेट यहाँ समय से मिल जा रही है। सो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। आपके डॉक्यूमेंट्स की जो आपकी जो दुविधा है, आपके मन में जो डाउट है, परेशानी है डॉक्यूमेंट्स को लेकर के, उसको दूर करने का प्रयास करते हैं। देखिए, सिंपली अपना आप फ़ोन ले लेंगे और अपने फ़ोन में आप ओपन करेंगे गूगल। देखिए, मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर और मैं आपको अपने आप मतलब मैं भी अपने आप से करता रहूँगा जिससे कि मैं आपको और अच्छे से बता पाऊँ और कोई जो इन्फॉर्मेशन है छूट ना जाए। तो सिंपली अपना फोन आप लेंगे, उसमें आप ओपन करेंगे गूगल, उस पर टाइप कर देंगे ecounseling.in विदाउट एनी गैप, बिना किसी गैप के आप टाइप करेंगे ecounseling.in, या फिर और आपकी अच्छी सुविधा के लिए आप टाइप कर सकते हैं ecounseling.in इलाहाबाद यूनिवर्सिटी गूगल पे। तो हमने टाइप कर दिया है और अभी ओपन हो रहा है और अभी यहाँ पर आपको टॉप पे मिलेगा ऑप्शन एडमिशन का, इसी को आप ओपन कर लीजिए। तो आप इसको ओपन कर लेंगे तो आपको यहाँ पर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी करके आपको पहले मिलेगा नोटिस और वहाँ पर आपको सारे जो आपके इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं वो लिंक्स जो आपके को कोई प्रॉब्लम होती है तो क्वेरी के रूप में आप यहाँ पूछ सकते हैं, पर ये आपके लिए अभी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आप नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा दो बॉक्सेस, एक है यूजी का और एक है पीजी का, और इसके नीचे इम्पोर्टेंट नोटिस, यूजी नोटिस और पीजी नोटिस, आप यहाँ से नोटिसेस पढ़ सकते हैं। पर अभी हमारी जो मेन बात है वो है डॉक्यूमेंट्स को लेकर के, उसके लिए हम ओपन करेंगे आपका यूजी काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट अपलोड एंड फी पेमेंट। जब हम इसको ओपन कर लेंगे तो इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपके ई काउंसलिंग गाइडलाइन है, अभी हम इसको ओपन नहीं करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं ई काउंसलिंग गाइडलाइन को डिस्कस करूं डिटेल में तो आप कमेंट कर सकते हैं, पर अभी हमारा जो मेन कंसर्न है वो है डॉक्यूमेंट्स को लेकर के। तो यहाँ पर आप चले जाएंगे डाउनलोड अंडरटेकिंग फॉर्म, जब आप यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ आपको दिखाया जाएगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं वो इंपॉर्टेंट हैं और आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना पड़ेगा, फिर आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की प्लेस पर अंडरटेकिंग अपलोड कर सकते हैं। तो जो पीडीएफ है आपकी डाउनलोड हो जाएगी, उसके बाद वो ओपन हो जाएगी आपके स्क्रीन पर अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके कुछ जो डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट है बताया गया, जैसे कि यहाँ पर 9 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। आपको बता दूँ ABCID भी आपके लिए मैंडेटरी कर दिया गया है, कंपलसरी कर दिया गया है, तो आपको ABCID भी बनाना पड़ेगा। अगर हम बात करें तो आपके हाई स्कूल की मार्कशीट सर्टिफिकेट, या फिर अगर आपके पास कोई और ऐसी इक्विवेलेंट डिग्री है जो क्लास 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट बराबर हो, उसको आप अपलोड कर सकते हैं। और देखिए, अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो सर्टिफिकेट की जो प्लेस है वहाँ पर भी आप मार्कशीट को ही अपलोड कर दीजिए, या फिर अगर आपके पास कुछ भी ऐसा है जो ये प्रमाण करता है कि आप क्लास 10th पास हैं, आप उसको भी अपलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो अगर है तो उसको ही अपलोड करिएगा। तो क्लास 10th की मार्कशीट सर्टिफिकेट, क्लास 12th की मार्कशीट सर्टिफिकेट, ये हो गए दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, मतलब दो पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और जो तीसरा है वो है आपका ट्रांसफर सर्टिफिकेट का और माइग्रेशन का, कि आपको आपका जो ट्रांसफर सर्टिफिकेट है और माइग्रेशन उसको अपलोड करना पड़ेगा। और अगर आप कोई प्राइवेट स्टूडेंट है, यानी कि आप स्कूल नहीं जाते थे, आप सिर्फ एग्जाम देने गए थे, तो उस केस में आपको अपलोड करना पड़ेगा एफिडेविट। सो ये बात हुई थर्ड पॉइंट। और जो फोर्थ पॉइंट है वो है अंडरटेकिंग का। देखिए, मान लीजिए आप OBC नॉन क्रिमिनल लेयर से बिलोंग करते हैं और आपके पास उसका सर्टिफिकेट नहीं है, तो उसके लिए आपको कुछ समय के लिए छूट मिल जाएगा, क्योंकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने ये मांगा है कि आपका सेंट्रल फॉर्मेट में और वो भी रीसेंट होना चाहिए। तो मान लीजिए आपके पास नहीं है तो उस केस में आप क्या करेंगे, आप अभी दे सकते हैं अंडरटेकिंग, पर अंडरटेकिंग के लिए भी आपको कहीं कहीं से सिग्नेचर करानी पड़ेगी, जिससे कि ये माना जा सके कि आप OBC से बिलोंग तो करते हैं, जिससे कि ये प्रूव हो जाए कि आप नॉन क्रिमिनल लेयर से हैं भले आपके पास अभी उसका सर्टिफिकेट नहीं है। सो ये बात हुई OBC नॉन क्रिमिनल लेयर की, जो आपको एनेक्सर 1 में मिल जाएगा। और उसके अलावा अगर आपका इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आप हैं तो उसके लिए भी आप अंडरटेकिंग दे सकते हैं अगर आपके पास उसका सर्टिफिकेट नहीं है तो, और वो आप दे सकते हैं, और वो है एनेक्सर 3, उसको डाउनलोड कर लेंगे। देखिए, आपका जो अंडरटेकिंग है उसको लेकर आपको चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। जिन डॉक्यूमेंट्स में आपको अंडरटेकिंग आपको मांगा जा रहा है, आपका एक्सेप्टेड है, उसको आप सिंपली निकलवा लेंगे, यानी कि वो पेज चाहे स्क्रीनशॉट लेकर चाहे डाउनलोड करके उनको बोल देंगे भैया पेज नंबर 5 निकाल दीजिए, पेज नंबर 4 निकाल दीजिए, जो आपका अंडरटेकिंग है आप उसको निकलवा लेंगे।
उसको फिल कर देंगे। अगर कहीं पर इंपॉर्टेंट सिग्नेचर्स चाहिए कि किसी एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर से, तो आप वहां से करा भी सकते हैं। और अगर जैसे कि आपका एंटी रैगिंग है, तो वो आप उसको, बहुत सिंपल सी बात है, आप उसको निकलवा लेंगे, आप उसको फिल कर लेंगे। और वैसे उसमें कहा गया कि अपने पापा से फिल करवाइए, बस वही उसमें सिंपल सी बात है, पापा आपके फिल कर देंगे। उसमें कहीं पर नाम लिखना है, कहीं पर सिग्नेचर करना है, सिंपल सी बात है। एंटी रैगिंग और आपका गैप ईयर भी, ये दोनों बहुत सिंपल है। बाकी अगर आपका कोई कास्ट का रिलैक्सेशन का अंडरटेकिंग है, तो उसमें आपको एडमिनिस्ट्रेशन की सिग्नेचर करानी पड़ेगी, और जिससे ये आपको प्रूफ हो सके कि आप उससे बिलोंग करते हैं। सो ये बात हुई आपके फोर्थ पॉइंट की। जो फिफ्थ पॉइंट है वो है आपका टीसी और माइग्रेशन का सर्टिफिकेट। सपोज करिए आप क्लास 12 पास हो चुके हैं, पर फिर भी आपके पास आपके स्कूल से आपको टीसी या फिर माइग्रेशन नहीं मिला है, तो उस केस में आप अंडरटेकिंग सबमिट कर सकते हैं। और जो भी आपको, जो कि आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया हुआ है, अगर आप इस पीडीएफ में नीचे जाएंगे, तो आपको वो सारे ही इंपॉर्टेंट अंडरटेकिंग यहाँ पर दिए हुए हैं, जहाँ से आप इसको डाउनलोड करके स्क्रीनशॉट लेकर कैसे भी निकलवा लीजिएगा, पेज फिल करके सारे सिग्नेचर्स वगैरह करा के आप उसको अपलोड कर दीजिएगा। और आपका जो वो होगा, उसके बाद क्या होगा, अंडरटेकिंग अगर आप अपलोड कर देते हैं, तो उसके बिहाफ पे आपको कुछ टाइम की छूट मिल जाती है कि आप एडमिशन के इतने दिन बाद तक आप करा सकते हैं। या फिर आपका जो ये चेक करना होगा, ये होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर, आपको कुछ समय की छूट मिल जाती है। सो यहाँ पर जो सिक्स्थ पॉइंट है, दैट इज आपका एंटी रैगिंग। बात हम उसकी कर चुके हैं एंटी रैगिंग की, इसकी चिंता बिल्कुल नहीं करना है। आप बहुत बच्चे कमेंट बॉक्स से पूछ रहे हैं कि एंटी रैगिंग क्या करना है, कोई चिंता नहीं है इसकी। बस ये फॉर्म निकलवाइए, दो तीन लाइन कहीं पर फिल करना है वो फिल कर दीजिए, पापा साइन कराइए, अपलोड कर दीजिए। और हाँ, ये जो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, ये आपको अपलोड करने होंगे JPG PDF या फिर JPEG में। देख लीजिएगा आपको किस में मांगा गया है, तो उसके बेसिस पे देखिए। अगर आपके पास कोई अभी वो चेंज करने का आपको सोर्स नहीं है, तो आप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से डॉग स्कैनर। देखिए मैं आपको ये दिखा दूंगा कि कैसा आपको लगेगा, आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। अब वहाँ से आपका जो ये है, आपका JPEG PDF में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर बात करें आपके सेवंथ पॉइंट की, तो वो है आपका गैप ईयर का। सिंपल है, अंडरटेकिंग निकलवाइए, फिल कीजिए, अपलोड करिए। और बाकी जो एट्थ है वो है आधार कार्ड, ये सिंपल सी बात है, आप बिल्कुल कर लेंगे। और नाइन्थ है ABCID। देखिए ABCID अगर आपके पास है, तो उसका नंबर ही मांगेंगे, जो भी मांगेंगे आप अपलोड कर दीजिएगा। और आपको बता दूँ कि ABCID अगर आपके पास नहीं है, तब भी आपको बनाना पड़ेगा, वो मैंडेटरी कर दिया गया है। सपोज करिए बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनका नंबर गुम हो गया, नंबर बहुत पुराना है, नंबर अब उनके पास है नहीं, तो उस केस में अपना आप जाकर के आधार कार्ड का नंबर चेंज करवाइए, क्योंकि ये मैंडेटरी कर दिया गया है, आपको अपलोड करना ही पड़ेगा, आपको आपके काउंसलिंग में ABCID लगना ही है। सो ये बात है आपकी ABCID की। और बाकी सारी जितनी भी इंपॉर्टेंट अंडरटेकिंग्स हैं, आपको यहाँ पर प्रोवाइड की हुई हैं। और अगर मैं यहाँ पर रीड कर दूँ, ये जो नाइन्थ का ए पॉइंट है, दैट इज और STSC OBC EWS कैटेगरी सर्टिफिकेट एंड क्रीमी लेयर अंडरटेकिंग रीसेंट कास्ट सर्टिफिकेट, बताया आपको रीसेंट मांगा गया है। एंड फॉर OBC कैंडिडेट रीसेंट कास्ट सर्टिफिकेट और ऑन सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट इंडिकेटिंग नॉन क्रीमी लेयर इज अ मस्ट एंड एनी अदर सर्टिफिकेट इफ रिक्वायर्ड। और जो बच्चे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से हैं, उनको बता दूं कि आपकी सिग्नेचर किसी भी एक इंपॉर्टेंट अथॉरिटी से होनी चाहिए, बस उसका जो फॉर्मेट है वो होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट का, और ऐसा नहीं सिग्नेचर आपकी होनी चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, वो जरूरी नहीं है। सो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ जो आपकी क्वेरीज थी, आपके डाउट्स थे अबाउट डॉक्यूमेंट्स, वो इस वीडियो से सॉल्व हुए होंगे। अगर हुए हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, आप कमेंट कर सकते हैं कि आपके हेल्प हुई इससे। और बाकी आप कोई और वीडियोस चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, बाकी आपके कोई और क्वेरीज हो आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप नए चैनल पे तो सब्सक्राइब करिए, आपको सारी अपडेट समय से मिल जाएंगी, चाहे आपकी कट ऑफ की हो, काउंसलिंग की हो, या फिर बाकी कोई भी अपडेट जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है आपको प्रोवाइड की जाएगी। और सो फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।